हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी जो टाइम है वो मॉर्निंग का हो रहा है। आज मॉर्निंग से अपना वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 10 मार्च और आज है थर्सडे। तो मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन बोल लो या हम जितनी भी लेडीज़ हैं उनका एक जैसा ही रूटीन होता है, तो वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं आपके साथ तो अपना मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ हमेशा, क्योंकि कभी टाइम रहता है तो कर देते हैं, कभी नहीं रहता है तो नहीं करते, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी वाला टाइम होता है। इसलिए तो यहाँ पर अभी जो सोफ़े हैं वो मैंने अच्छे से झाड़ लिए हैं, क्योंकि कई बार हम लोग या फिर बच्चे बैठते हैं यहाँ पर, कुछ कुछ खाते रहते हैं तो गिरता रहता है, फिर चींटी वगैरह, आजकल गर्मियाँ होने लगी हैं तो चींटी वगैरह जो है ना वो आने का वो रहता है, तो फिर इन्हें ही काटेंगी। इसलिए ये मॉर्निंग में झाड़ने ही झाड़ने हैं। और हर कोई अपने घर में सबसे पहले स्टार्टिंग जो है झाड़ू वगैरह की ऐसे ही करता है। तो सारे सोफ़े झाड़ दिए और एक दिन ना मुझे ये वैक्यूम भी करने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप भी देख रहे हो सोफ़े कवर जो है नहीं चढ़ा रखे हैं, तो इसलिए देखूंगी क्या था बीच में मैं चढ़ा भी दूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार वैक्यूम जरूर करूँगी, क्योंकि काफ़ी डस्ट वैसे हो गई होगी, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी डस्ट आती है। इसलिए रोज़ हम लोग झाड़ते हैं लेकिन उसके बाद भी डस्ट क्या है, इस टाइम झाड़ रहे हैं थोड़ी देर बाद फिर से डस्ट हो जाती है, तो इसको एक दिन वैक्यूम करना है। उसके बाद मैं इसमें कवर भी चढ़ा दूँगी। और वो सब झाड़ने के बाद यहाँ पर जो रात के बर्तन हैं वो सारे मैं अरेंज करके रख दूँगी। और अरेंज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद नाश्ता भी बनाऊंगी, तो जितने बर्तन की ज़रूरत होती है वो जगह पे मिल जाते हैं, यहाँ पे बर्तन बार बार ढूंढने नहीं पड़ते हैं। तो ये सब बर्तन लगाने के बाद ही मैं झाड़ू वगैरह जो है स्टार्ट करूँगी लगाना। चाय वगैरह तो मैंने बहुत पहले पी ही ली थी, तो बस बर्तन लगाती हूँ उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू जो है वो लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो झाड़ू हमारा हमेशा यहीं से लगता है जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, और जहाँ का झाड़ू है या फिर मतलब बीच बीच में जितना भी कूड़ा है ना वो मैं उठाती रहती हूँ, क्योंकि वो सारा कूड़ा साथ में ले जाओ तो फिर कभी इधर कभी उधर होता है, इससे बड़े होता है जहाँ जहाँ कूड़ा लगाना है थोड़ी थोड़ी देर में उठाते रहो तो ठीक रहता है। और झाड़ू पोछा हम लोग खुद लगाते हैं। कई बार कॉमेंट्स आते हैं कि पूजा आप लोग मतलब मेड नहीं आती आपकी लगाने के लिए, तो नहीं हम लोग खुद लगाते हैं पहले, मतलब ये बात मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन कुछ अभी अभी देखना शुरू करा है तो उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ कि झाड़ू पोछा बर्तन हम लोग खुद करते हैं। पहले हमारे घर में हाउस हेल्पर थी, लेकिन कोविड के टाइम पर उनका मतलब वो आना बंद हो गई थी, अब वो अपने घर के उधर ही करती हैं। हमारे इधर बहुत सारी हाउस हेल्पर्स आती हैं, लेकिन अब पहले क्या था ना, हमारे घर में जब आती थी तो जब वो एक दिन भी नहीं आती थी तो इतना अजीब हो जाता था, ऐसा लगता कि काम नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, और बहुत हालत मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब दिमाग में घूमता है राम आज नहीं आएगी। लेकिन अब हम लोग खुद से लगाते हैं और हमें ना किसी का वेट होता है कि वो आएंगे वो झाड़ू पोछा लगाएंगे, हमारा जब मन है हम लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं जब मन का मतलब है। कि कई कई बार हाउस हेल्पर जो होती हैं 12-12 बजे 1-1 बजे आती हैं और घर में काम ऐसे फैला रहता है, बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं, खैर बर्तन हमारे यहाँ कभी भी नहीं पड़ रहते थे जब हाउस हेल्पर आती भी थी ना, तो लेकिन झाड़ू पोछा बहुत लेट हो वो भी अजीब सा लगता था, लेकिन उस टाइम पर रखी भी थी तो वो जितने बजे भी आती थी वो करती थी। लेकिन अभी हमारा मॉर्निंग में झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो जाता है, जो कि देखने में भी अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिनको बहुत ज़रूरत है देखो तो रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग खुद से करते हैं अच्छा भी लगता है, और अब किसी का इंतज़ार भी नहीं करते हैं, और ना ऐसा होता कि अगर उन्होंने छुट्टी मार ली तो कैसे काम होगा ना, तो हम लोग खुद से ही करते हैं। अभी आप मतलब 2 साल से हमारे घर में हाउस हेल्पर नहीं, हम खुद से कर रहे हैं, अच्छा भी लगता है, अपने घर का काम साफ सुथरा भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारे घर में कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है, तो हम लोग खुद से ही अपने घर के काम करते हैं, मैनेज करते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है, काम करने में लगता है सुकून से मिलता है कि हाँ हमने सफाई करी है तो बहुत अच्छे से सफाई करी है। तो झाड़ू मेरा लग चुका है, उसके बाद मैं डस्टिंग कर रही हूँ, डस्टिंग करने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, तो दिखाऊंगी तो मैं आपको यही है कि डस्टिंग, लेकिन मैंने पूरी मतलब जो ड्राइंग रूम में पूरी डस्टिंग होती है वो अच्छे से कर ली है, क्योंकि सारा वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊं बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। तो उसके बाद डस्टिंग करने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मुझे बर्तन मतलब वो जो कपड़े हैं वो लगाने हैं आज मशीन में, बहुत सारे कपड़े हैं वो, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी।
यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी पोचा, और पोचा हम लोग लगाते हैं गर्म पानी से। गर्म पानी से क्या होता है ना, जो भी डस्ट वगैरह रहती है, जो भी गंदा वगैरह रहता है फर्श में, बहुत अच्छे साफ़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा शाइन भी मारता है। मतलब हम पोचा लगाते हुए कुछ इसमें लिक्विड भी ऐड करते हैं, लेकिन उसके अलावा मतलब गर्म पानी से जब इसको पोचा लगाओ ना, बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। और किचन में तो हम लोग दो बार लगाते हैं, क्योंकि किचन में कुछ ज़्यादा ही मतलब हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती हैं, मतलब ज़्यादा देर हम वहाँ पर काम करना सब कुछ ना, तो इस वजह से किचन में दो बार हम गर्म पानी का पोचा लगाते हैं। और मैंने पूरे घर में मतलब पोचा लगा दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ। अब मशीन में पानी, क्योंकि इस टाइम पे पापा ने मोटर भी ऑन करी हुई है, तो मुझे बार बार मोटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोटर ऑन है, इसलिए मैं सोच रही हूँ पानी जो है इसमें भर देती हूँ मैं, और एक तरफ काम मैं अपने करती रहूँगी, नाश्ता बनाती रहूँगी, और एक साइड पर जो कपड़े हैं वो धुलते रहेंगे, क्योंकि इनको जो वॉश होते हैं ना पानी से, वो मैं एक साथ ही करती हूँ जब मतलब पूरे के पूरे कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ आज कपड़े, तो ये मुझे एक बार और चलाना है अभी। और इतने कपड़े मैंने अभी मतलब मैंने नहीं, अभी तो मशीन ने धोए हैं, अभी मेरी बारी जब मैं इन्हें पानी से छानूंगी। और ये बेडशीट हैं, ये सब मुझे वॉश करने हैं। थोड़े से कपड़े और हैं, वो भी मशीन में लगाने हैं। मेरा गला ना कभी कभी ऐसा अजीब सा जाता है और कभी कभी ठीक रहता है, तो इसको एक बार मुझे और चलाना है। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, और आज है मतलब आज वोटिंग का जो वो है ना रिजल्ट आएगा 10 मार्च है आज, इसलिए। और ब्रेकफास्ट हमारा अभी अभी हुआ है, मशीन में मैंने कपड़े लगा रखे हैं। किचन अभी कुछ किस तरह से है, सारी मुझे क्लीन करनी है, मतलब बर्तन वगैरह किचन सारा साफ करना है मुझे। और ये सब्जी जो रात को बनाई थी सिर्फ इतनी बची है, ये वाली कद्दू की सब्जी बहुत टेस्टी बनी सच्ची में। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने में मैं बोलूँ भी अच्छी बनी है, नहीं, अगर अच्छी नहीं बनती तो मैं नहीं बोलती। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को और पापा को इतनी पसंद आई है ये सब्जी, मतलब इसका ना कद्दू से कुछ अलग टेस्ट है, लेकिन अगर इसको बनाए कुछ अलग तरीके से तो ये बहुत टेस्टी बनती है। तो सिर्फ इतना बचा है, सिर्फ एक चम्मच के बराबर है, तो उसमें मैं निकाल रही हूँ, चावल के साथ दिन में ले लेंगे। और किचन अभी पूरा, आप लोग मत सोचना इतना गंदा हो रखा है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करा तो ऐसे ही रहता है। अब मुझे अच्छे से साफ करना है, तो मैं नहा भी गई हूँ और काम भी सारे झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो चुका है। आशी और उनको मैं नाश्ता करा दिया, सब ने नाश्ता कर लिया, मतलब कपड़े मशीन में लग रखे हैं, वो अपना घूम रहे हैं, उनको मैं एक साथ ही वॉश करूँगी, तो बार बार ना मोटर खोलनी पड़ती है इसलिए। तो उनको वॉश जब तक वो हो रहे हैं, मतलब मशीन में चल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे किचन जो है पूरी साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे इतनी इतनी सब्जी बची है, ये इसको मैं, इसमें थोड़ा सा आटा बच गया है, ये रखूँगी, ये तो मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, लेकिन आटा फ्रिज में रखूँगी। और ये बर्तन वगैरह वॉश करने, तो ये बर्तन है, थोड़ी बर्तन है वॉश करने, ये किचन का कपड़ा है, ये मुझे वॉश करना है, आज ना गंदा हो रहा है। और जैसे चाय पत्ती का वो रहता है ना, और ऐसा ही इसमें मैं इसमें डाल देती हूँ चाय पत्ती को वॉश कर। कई बार हम लोग प्लांट्स में डाल देते हैं, कम रहती है तो फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। एक साइड मैंने कपड़े जो हैं वॉश करने के लिए रखे हुए हैं, और रखे हुए नहीं है मतलब वो मशीन में चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, नाश्ता तो हो ही चुका है, तो पहले मैं जो कपड़ा मैं बोल रही थी ना वॉश करना है किचन का, तो उसी को मैंने अच्छे से पानी से साफ करके, जो काउंटर टॉप है और जो गैस स्टोव है उसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि बाद में तो उसको वॉश करना ही है। और इसको मैं फिर विम बार से, मतलब ये जेल है ना, इससे ही मैं क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर किचन जो है अच्छे से साफ कर लूँगी, बर्तन सारे वॉश कर दूंगी, और अब सिर्फ जो रहेगा ना सिर्फ वो कपड़े धोना ही रहेगा। और कपड़े धोने के बाद मैंने फिर कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा, उसके बाद सीधा मैं आपको दिन में मिलूंगी। मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, गैस स्टोव मतलब सब कुछ ही क्लीन कर दिया, बर्तन वॉश हो गए हैं, सारा क्लीन है। अब मैं जा रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए।
तो अभी सीधा मैं आपको मिल रही हूँ दिन के टाइम पे, मतलब कि 3:30 बज रहे होंगे इस टाइम पर। और कपड़े वॉश करने के बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, लंच करा, आशीष ट्यूशन चली गई इस टाइम पर, और अब मैं यहाँ पर मम्मी के रूम में हूँ। तो उसके बाद मेरा ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं करा, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह वॉश करी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो अभी 3:30 ही बज रहे होंगे या 4:15 बज रहे होंगे, मुझे टाइम पता नहीं है कितना था। तो यहाँ पर मम्मी की जो बेडशीट थी वो भी मैंने वॉश कर दी थी, और अब मैं दूसरी बेडशीट इसमें बिछाऊंगी, क्योंकि वो छत में ही है अभी। तो वैसे कपड़े बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, तो अभी लेकिन वो छत में थी, तो मैंने कहा तब तक मैं दूसरी जो बेडशीट है वो बिछा देती हूँ, वो नेक्स्ट टाइम मम्मी उसे बिछा लेगी। तो यहाँ मम्मी का अपनी भी बेडशीट मैं चेंज करूँगी, पहले मैंने कहा मम्मी के वाले रूम की जो है बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। तो ये वाली बेडशीट जो है मम्मी के रूम में मैं बिछा रही हूँ, मतलब ये मम्मी के रूम की ही बेडशीट है, तो इसको बिछा रही हूँ। और इसके साथ के मुझे पिलो जो कवर होते हैं वो मिले ही नहीं, तो कहाँ पर थे पता नहीं, मैं ऊपर देख कर भी आई, वहाँ पर मुझे दिखे नहीं। तो फिर मेरे पास एक दूसरे पिलो कवर थे वो मैंने इसमें चढ़ा दिए थे। तो बस मम्मी का जो रूम है उसको थोड़ा सा सेट कर दूँगी, उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर जो मेरी बेडशीट है उसको भी चेंज करूंगी आज। डेढ़ बजने वाले हैं और मैं अपना व्लॉग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँ। कल ब्लॉग पूरा नहीं बनाया था मैंने, और मम्मी आ गई है तो मम्मी के लिए आपसे जल्दी मिलाऊंगी। एक मिनट जरा मैं गैस वो बंद कर देती हूँ। मम्मी आज मॉर्निंग में ही पहुँची है, मम्मी 8:30 के टाइम शायद जहाँ से बस गई थी बड़ो वाला था वहाँ पे बस पहुँच गई थी। तो फिर हस्बैंड चले गए थे मम्मी को, मेरी मम्मी को और जो दीदी है उनको उनके घर पे छोड़ दिया था ठाकुरपुर, और मम्मी को इधर घर पे लेकर आ गए थे। और ये माला तो अभी मम्मी प्रसाद निकाल रही थी, तो ये माला मम्मी को वहाँ से मिली है। मतलब इस तरह के फूल फाल बहुत मिले हैं, तो मम्मी बोल रही कि मतलब ये वहाँ का मतलब जैसे भगवान जी का ही बोलते हैं ना आशीर्वाद, तो इसको इधर उधर फेंकना नहीं है। तो मम्मी बोलती है एक एक बार इसको गले में पहन लो, सूंघ लो या जो भी है सर पे लगा लो, तो मतलब भगवान का आशीर्वाद है। और वैसे ऊपर से ये वृंदावन सा ही है तो बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर से माला आई है। तो मैंने आशी को पहना दी है, सिया अभी नहीं पहन रही है, मैंने थोड़ी देर इसको पहन लिया था, शायद मैंने पहना है कि नहीं पहना है पता नहीं, मैं इसको थोड़ी देर कुछ सेकेंड के लिए पहन लेती हूँ और फिर मैं इसको उतार दूंगी। तो इतनी दूर से ये ताना जी की जो वो है ना स्थान वहां से आई है, तो मैं थोड़ी देर पहन लेते हैं, फिर मम्मी बोलती इसको उससे पेड़ वगैरह में टांग देंगे, इधर करते हैं, मतलब फैसला नहीं होता है ना भगवान के यहाँ से लाते हैं इसलिए। तो अभी मम्मी ने सारा सामान अपना निकाला है, मतलब जो सामान मम्मी ले गई थी वो, और मम्मी हाथ धोकर मम्मी नाश्ता वगैरह कर लिया था। अभी आज हमने टमाटर की झोली बनाई है, ये टमाटर की झोली बन रही, चावल चढ़ चुके हैं, ये झंडा लगा रहे हैं बालाजी का ही ना। तो हमारा ना पहले यहाँ पर एक झंडा था, आप देख भी रहोगे यहाँ पे येलो येलो आपको दिख रहा ये वाला ना, तो ये काफ़ी टाइम से ख़राब, ये बंदरों ने फाड़ दिया, अब कुछ बारिश से ख़राब हो गया। तो अभी मम्मी ये प्रसाद मतलब प्रसाद के रूप में ही मिला है, बालाजी का झंडा। जय हो बालाजी, जय हो बालाजी, सब दादियाँ दुख दूर करे बालाजी आपके नाम का। हाँ वैसे बोलते हैं घर के बाहर एक झंडा लगाना चाहिए ना, बड़े बड़े है। हाँ चलो इतना बहुत है हमारे घर के लिए, है ठीक है। हाँ हाँ इतना ठीक है, इतना मीडियम साइज ना, ज्यादा बड़ा भी अलग ही चमकता है। तो ये है झंडा। मम्मी से ही मिली, आप सब मम्मी से मिलाती हूँ। हेलो राधे राधे, नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार और बारी बाकी बिहारी की कृपा और आशीर्वाद लोगों पर सब पे बनी रहे, बस यही दुआ करते हैं, यही दुआ करी है हमने बाकी बिहारी और राधा रानी से। तो बहुत अच्छी लगी हमें माँ की, मतलब मथुरा भट्ट के दर्शन करे और गोकुल के दर्शन किए, और जहाँ राधा रानी जन्मे वहाँ, और जहाँ कान्हा जी जन्मे वहाँ की, और राधा कुंड के, और कई मतलब मंदिर, मतलब एक एक दिन में 5-6 मंदिरों के दर्शन करे, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उत्साह लगा, ना कोई थकान ना कोई वो घर की चिंता ना बच्चों की चिंता,
बस भजन कीर्तन करते हुए जाए, नंगे पाँव हमने करी पूरी परिक्रमा, नंगे पाँव करी तो बहुत ही अच्छा लगा। पता कहाँ से वो शक्ति आई, पैर उतना दर्द होता गायब हो गया, नंगे पैर चल रहे, मेरा जूता भी एक बंदर ले गया चोर के, तो अच्छी की भी छपे तो दोनों समझे नंगे पैर है। और वैसे भी नंगे पैर ही यात्रा करी हम लोगों ने, कहाँ कहाँ बहुत दूर दूर करी, थोड़ा बस से थोड़ा पैदल, तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छह 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 सात जगह दिन में घूमे हम लोग ना, तो 4 दिन की 5 दिन की यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही तो मन शांत हो गया, बहुत ही खुशी मिली, मतलब एक अलग ही महसूस हुआ वहाँ पे जाके। भगवान की भूमि में गए हम, जन्मभूमि में, तो अलग ही उत्साह रहा मन में, वही वाइब्रेशन लेके आ रहे, तो अभी तक वही का ध्यान है ना, तो इतना मतलब हर्ष हुआ कि हम जा सके प्रभु की कृपा से, है ना, उन हमने पितरों की कृपा से, है ना, तो वहां पहुंचे। कोई पुण्य भाग जाते तभी आदमी ऐसी जगह जा पाता है। तो अचानक ही बना मेरा चंदनगंज जी का तो कब से ही था, वो तो बिल्कुल राधा रानी बनी थी, मैं जाना। तो साथ में भी उन्होंने टिकट मेरा भी करा दिया था, सीट थी उसमें, तो उन्होंने कहा चलो आप भी चलो, सीट ऐसे चलो, तो भगवान की कृपा होगी तो मैं भी चल रही ना, मैंने अपना ही देखा दर्द है या थकान मेरे पे, मेरे जाना है मैंने। तो वहाँ हमने राधा क्या कहते हैं बरसाने वाली राधा गए, तो वहाँ है 265 सीढ़ियाँ खड़ी बिल्कुल, तो प्रभु की कृपा चले, बड़े आराम से उतरे चले, कोई थकान नहीं है ना, और नंगे पैर दौड़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा अपनी धुन में दौड़ रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी मम्मी और के, वीडियो भी मम्मी बनाती रही, मतलब बना के तो थोड़ा भेजते रहो, यादगार रहती है हमेशा के लिए। हम यहाँ गए थे प्रभु के यहाँ गए थे, प्रभु के धाम गए थे, जो प्रभु हमारा जीवन चला रहा है, हमको पाल रहा है, तो बहुत ही खुशी हुई जब वहाँ के बारे में बताए हमारे साथ। तो हम हो भाग्य रहे हमारे साथ व्यास जी थे, तो उनकी कृपा है, साक्षात विष्णु रूप बिल्कुल कान्हा जी लग रहे थे जो हमारे साथ व्यास जी के भागवत करते हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में हम गए बस से, उन्हीं के उन्होंने बस का कर रखा था, तो उनका जाता रहता है प्रोग्राम वहाँ पे, मतलब अभी होली के बाद भी जाएगी, जो भी लोग जाना चाहते हैं तो कहते मेरा एड्रेस देना, और उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर था, पता ही नहीं चला 4 दिन में अपना खाना पीना उन्हीं का था, और ना टिकट वैसी था, और बहुत ही अच्छे से सारा इंतजाम किया। सुबह हम नहा धो के 4-5 बजे नहा जाते थे, और फिर मतलब पूजा पाजा करके रोज निकलते थे, मंत्रों द्वारा उच्चारण करते थे व्यास जी, और तो बहुत अच्छा लगता था जो ना, और सुबह नहा धो के सीधे निकल जाते थे 8-9 बजे अपना, और फिर शाम तक घर आते थे कमरे कमरे में, और भी बहने भाई सब रहे, ऐसा लगा जैसे एक परिवार, कोई कहीं का कोई कहीं का कोई कहीं का, वहां पे ऐसा लगा एक ही वसुधैव कुटुंब, हम एक ही परिवार है, तो वैसे ही है, एक ही भगवान की संतान है सारे विश्व ना, मानो तो सब है, वो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, वहां पे सब इतना प्रेम, इतने आते समय लोग इतना रोए एक दूसरे के प्रति, 4 दिन की यात्रा रही, तो ऐसा लगा कि हमारे भाई बहन हमारे हमारे माता पिता है, इतने गुजर लोग गए वहां पे, पता नहीं हिम्मत करके एक लेडीज है, वो पता नहीं 70-75 से ऊपर रही होंगी, तो इतना उत्साह, उनको 6ठी बार गई वो ना, तो प्रभु की कृपा जब गई, अपनी नातिन के साथ जा रही थी, तो ये प्रभु की कृपा गई है ना, तो हम भी चाहते हैं हमारे भगवान सौभाग्य दें, हम आए बार बार आपके दर पे, और आशीर्वाद दें सबके लिए लें। तो बहुत ही अच्छा लगा, कृष्ण की जन्मभूमि देखी, जहाँ कृष्ण बालकपन में खेले, और मैया जहाँ माखन बनाती थी वो देखा हमने कमरा, तो बहुत ही आकर्षित लगी उनकी छवि, मतलब कि आंखों में हम देख नहीं पाए, तो देख रहे तो आंखें ऐसी होती थी खुद ही, तो साक्षात लगा कि भगवान का रूप है, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और राधा रानी के भी दर्शन हुए है, बरसाना वाली राधा रानी, वहाँ होली खेली हमने उनके साथ, तो हमारा सौभाग्य हम होली खेल के आए भाई बहन, वृंदावन कई जगह घूमे हम, और कान्हा के कई रूप कई छवियाँ देखी हमने अलग अलग मंदिर में, और बहुत ही उत्साह, बहुत ही मतलब क्या बताएं वहाँ पे, और जहाँ रेत में भगवान खेले वहाँ हमने भी खेला, उधर रेत में नाचे और लोटपोट हुए कहते हैं ना जो उसमें होता है, तो बहुत ही अच्छा था सो है ना, अपने ऊपर रेत लगाना, तो कहाँ कहाँ से लोग दुनिया आ गई, सारी दुनिया यही बस रखी है जैसे ना, तो इसमें वीडियो भेज रखी तो आप लोग देना। और निधि वन देखा हमने, तो देख के हो गए कि वहाँ ऐसे लटाए ऐसे आपस में जुड़े हैं, तो बोलते हैं कि रात को वही कृष्ण रासलीला खेलते हैं गोपियों के साथ, तो रात को वही रूप ले लेती गोपियाँ, उसको रात में कोई वहाँ बंद हो जाता है, शाम को तो कोई देख नहीं पाता, इतना में साक्षात रूप है भगवान का, जो कोई देखता है कहते अंधा हो जाता है, उसके मुंह मतलब वाणी हो जाती है, कोई तो पागल ही हो जाता है, तो साक्षात रूप है वहाँ भगवान का, तो इतनी भीड़ लगी थी कि भगवान की नगरी में गए, और आप लोगों के लिए आशीर्वाद है, सबके लिए आशीर्वाद मांगा और कुछ नहीं मांगा, पर भगवान ने सुख शांति दे और हमें सानिध्य दे, हम आपके पास आए और हमें भक्ति दान दो,
और हम आपके पास आए, हमेशा हमें बुलाओ, बस एक मांगा और कुछ मांगा तो बहुत ही अच्छा उत्साह लगा। तो आप भी एक बार जरूर जाना, एक बार आप लोग भी जरूर जाना, जरूर जाना ना भगवान के दर। अपने तो हम निकलते हैं कभी कहीं कहीं कहीं, एक बार भगवान के दर में भी निकलने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी बड़ी कृपा होती है, वो हिम्मत देकर ताकत देता है। जब मेरे पैर ऐसे तो कृपा है भगवान के, पैर बिल्कुल ठीक है, कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ से शक्ति, घर में भी आए मैं फुर्ती, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, थकान नहीं है ना, अभी हम चलते रहे 4 दिन तक, पैर सूझे बट कोई दर्द नहीं है।